Hey friends, welcome to my channel. So today's video is all about makeup look, nude makeup look, जो कि अभी मैंने create किया हुआ है. So yes, आज मैंने आप सभी के साथ share किया है nude makeup look. तो अगर आप college going girls हैं, तो आप इस तरह का makeup try कर सकते हैं. Trust me, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. आपके skin आपको natural लगेंगी और सब बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई makeup किया है. So मैंने आप सभी के साथ ये makeup look share किया है. I hope you guys really like this video. अगर आपको मेरा video अच्छा लगेगा, so please video को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद एज यूजुअल मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर यहाँ मैं पीच मिल्क मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने फेस पे स्टार्टिंग में मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ. ओके, देन सेकेंड यहाँ पर मैंने सीरम बनाया हुआ है जिसमें मैंने दो चीज़ें ऐड की हुई है. इसमें फर्स्ट मैंने, अगर आपके पास शीट मास्क होगा, सो मेरे पास शीट मास्क था, तो मैंने उसका जो भी सीरम होता है, लिक्विड होता है, सो वो यूज़ करके मैंने जितना भी सीरम बाकी रह गया था उसे मैंने इसमें स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लिया है. और इसका लिक्विड कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है. सो ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो भी टीनेजर है उनके फेस को एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उनके फेस को ये बहुत अच्छा हाइड्रेट करेगा. सो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं. अगर आप सीरम परचेस नहीं करते हैं तो आप घर पे भी इस तरह का सीरम बना सकते हो. तो आपको स्प्रे करना है सिंपली. देन हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. गाइज आप ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा लाइट फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है और ना ही ज़्यादा डार्क फाउंडेशन अप्लाई करना है. आपको आपकी स्किन का ही फाउंडेशन यहाँ पर अप्लाई करना है. ओके, नाउ माय फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर. सो अगर आप बाहर जाते हैं सो आपको फर्स्ट आपके जो भी ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आपको अच्छे तरीके से वॉश करना है और इसको थोड़ा सा गीला ही रखना है. ऐसा करने से ये होता है कि आपका फेस काला नहीं होता है और जो फाउंडेशन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है. एंड डोंट फॉरगेट योर नेक. ओके, सो यहाँ पर हमारा फाउंडेशन कंप्लीट होता है. देन कंसील, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तभी आप कंसीलर अप्लाई करिए, अदरवाइज कंसीलर की कोई नीड नहीं है अगर हम न्यूड मेकअप करते हैं. ओके, सो कंसीलर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर हमारा कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर. सो यहाँ पर हमारा कॉम्पैक्ट कंप्लीट होता है. गाइस देन आता है हमारा आई शेडो. तो आई शेडो के लिए यहाँ पर मैं स्यूज ब्यूटी का यहाँ पे न्यूड आई शेडो पैलेट अप्लाई करूंगी. गाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर आपको रीजनेबल रेट में कोई आई शेडो चाहिए न्यूड पैलेट सो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए. सो यहाँ पर मैं यूज करूँगी लाइट आई शेडो. ऑलमोस्ट खत्म होने में. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सबसे लाइट आई शेडो लिया है. एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाइट आई शेडो लिया है जो हमारी स्किन कलर से टोटली मैच होता है. ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमने आई शेडो भी लगाया है और ऐसा लग भी रहा है कि हमने कोई आई शेडो नहीं लगाया है, मतलब हमारे स्किन कलर से वो मैच हो गया है. सो गाइस नेक्स्ट हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे. सो आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगी. ब्राउन भी आता है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि दी आप ब्राउन कलर का यूज नहीं करते हो आईब्रो में. अगर आपको यूज करना है ब्राउन कलर का तो आप यूज कर सकते हो, बट मुझे मोस्टली ब्लैक अच्छा लगता है. सो हमारे यहाँ पर आईब्रो फिल हो जाती है. देन यहाँ पर मैं लाइनर अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा सा न्यूड मेकअप है तो ज्यादा हैवी हमको मेकअप नहीं करना है. सो जितना लाइट हो सके हमको उतना लाइट यहाँ पर मेकअप करना है. सो यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी नेक्स्ट.
So guys, see the difference. Maybelline का Hyper Curl Mascara यहाँ पर मैंने apply किया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अगर आप beginners हैं तो आप ये ज़रूर try करें. So guys, यहाँ पर हम blush apply करेंगे. So skin को natural दिखने के लिए थोड़ा सा भी pink या फिर थोड़ा सा भी nude आपको blush लगाना ज़रूरी होता है. So यहाँ पर मैं यहाँ पे अर्बन चॉइस का ये एक्चुअली आई शेडो पैलेट है, बट इसमें से मुझे ये जो पिंक शेड है और ये जो न्यूड शेड है ये मुझे ब्लश के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो मुझे ब्लश के लिए मतलब खासकर इतना बड़ा पैलेट मुझे ओपन करना पड़ा, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. गाइस, आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है. ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा आता है हाइलाइटर, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इन न्यूड मेकअप. सो यहाँ पर मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क का मास्टर फॉर्म का यहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी. सो गाइस, एज यू कैन सी कि कितना ग्लोइंग स्किन लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है. यहाँ पे हमने कोई हैवी मेकअप नहीं किया है, बहुत लाइट मेकअप है. तो हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इस तरह से डैप करना है. ओके, तो लास्ट हमारा आता है यहाँ पर लिपस्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर दिस टफ टफ टफ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आई नो, बट कुछ नहीं कर सकती हूँ मैम. सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास दो न्यूड लिपस्टिक है. सो एक ये इस तरह पेन स्टिक में है और ये मैट लिपस्टिक है और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो यहाँ पर मैं लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी जो कि प्योर मैट है. ओके, सो आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और आपको 4 to 5 hours के लिए बाहर रहना है और मेकअप को स्टे भी रखना है. सो मेकअप फिक्सर जरूर अप्लाई करें. सो गाइज, आई एम डन एंड दिस इज माई फाइनल लुक. और ये है मेरा न्यूड मेकअप लुक जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड सिंपल सोबर लग रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है. अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो आप इस तरह का सिंपल सा मेकअप ट्राई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.